गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं लाजपत नगर अपनी शॉपिंग करने शादी की। मैंने इस औरत को कपड़ा नहीं मिला इसलिए इसको चिड़ मच रही है। मैंने गिफ्ट की इसको तो इसको मुझे पहनानी चाहिए थी पहले ही। नहीं मैं ही पहनूंगा। बाहर गाइस ठंड हो गई, आर्टिफिशियल रेन हो रही है। ऊपर मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके थे ये दोनों, यहाँ खड़े हुए हैं। अब इनका मन करा है कि ये जाएंगे गाड़ी से। अब मैं मेट्रो स्टेशन से घर जा रहा हूँ गाड़ी लेने। वापस मैं घर जा रहा हूँ गाड़ी लेने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ हो गई है बारिश शुरू, गीला हो ही रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अब ई रिक्शा भी नहीं मिली मेरे को, अब यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। वेट करेंगे अपने आप, अब मैं पहुँच जाऊँगा घर। यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 5-7 मिनट की दूरी पे है। तो मैं चलो वॉक करके चला जाता हूँ गाड़ी में, तो मैं जल्दी आ ही जाऊँगा मेट्रो स्टेशन तक। इतना देर वो वेट करेंगी, बट ये कोई लॉजिक है? खुद सोचो। सो है भैया, हम आ चुके हैं लाजपत नगर, गाड़ी हमने कर दी है पार्क। अब ये दोनों मेरे पीछे आ रही हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ खाने का, पहले देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी, मेरे को तो बड़ा ये डेकोरेशन बड़ी अच्छी लग रही है। बारिश हो चुकी है, मौसम अभी ठीक ठीक है, कपड़े ख़राब होने का पूरा पूरा डर है। वाइट शूज़ पहनाया हूँ आज मैं बस यही करना आता है इसको। इसका कैमरे का लॉक ऐसे खुलता है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान है, बहुत ब्यूटीफुल। ये हमारा आफ्टर मैरिज देखेंगे हम, पहले हम अपने कपड़े देख लें, अपने वस्त्र। एक लहंगे के स्टोर में घुस गई, उसमें से हम बाहर निकल गए, हमें पसंद आया इसको। हम मैम रुको पीछे से बोल रही, मैडम रुक जाओ देख तो लो। कहती मैं अभी देख के आती हूँ। धोखेबाज बहुत मजा आ रहा है, कोई भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा है। ढाई लाख मेरी शादी का बजट है गाइस। गाइस मेरे को बहुत तेज सुसु आ रही है और इन्होंने गोलगप्पे खाने हैं पहले। यार कैसे लोग हैं, इनको गोलगप्पे खाने में सुसु आ रही है यार। मुझे तो हल्का करवाओ पहले। गन्ने का जूस पी के आ गए हैं ये, अब इनको गोलगप्पे खाने हैं। हर जगह मैं ज्यादा सही लग रहा हूँ। गोलगप्पा हम खा रहे हैं पाव भाजी, और इसने अपनी बनाई अकेली खाएगी आज, अकेली खाएगी आज। अकेली डाइट फूड, ये पेट आ देख रो तेरा कम है। देखो पापड़ी चाट खा रही है और ये खा नहीं पाएगी पूरी। शादी खुशी में खा रही है। शादी की खुशी में किसकी हो रही है? शादी मेरी, शादी में गाइस जरूर जरूर आना यार। खाऊं कैसे? मुंह से खाएगी और कैसे खाएगी? तुम्हें वहां देखा था, कह रही इसको भी कोई देखता है क्या? कह रही मुझे व्लॉग मत लगी, लोग देख लेते हैं। ये ले ले वो ले ले, मैंने लगा क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। सारा बजट तुम्हारी शादियों में घुस गया, अब मैं इकलौता बचा हूं, हमारे बाप का पैसा ही नहीं बचा। अब जो अपने पैसों से कर सकते वही करेंगे गाइस। मेरी दोनों बहनें मेरे सारा प्रॉपर्टी लूट के चली गई, प्लीज रिपोर्ट करो। कैसे मेरे को, कौन सा सेक्शन बताओ, कौन से सेक्शन से वापस ले सकता हूँ। सो गाइस लहंगे तो हमें नहीं मिल रहे हैं, अब हम आ गए हल्दीराम, यहाँ बुकिंग करा लेते हैं मिठाइयों की। छुट्टी इतना खा लिया है पी लिया है कि वॉशरूम आते तो हल्दी। ये देखो ये ब्राइड टू भी यार है, मैंने बोलता हल्दीराम पे हम मिठाई चूज करना है, तू ये क्या बोल रही है यार? ये तो पोपट कर रही है। ब्राइड टू भी मुझे एक लहंगा पसंद नहीं आ रहा है। हटो, मैं तो लग रहा हूँ ना एंड मुझे 5 लाख का लहंगा ही खरीदना पड़ेगा, वो तो शायद लाएगा। मैं लग रहा हूँ ना ग्रूम, लग रहा हूँ कितना स्मार्ट है, लाइट भी अच्छी आ रही है। ग्रूम की सिस्टर आ गई। क्या देख रहे हैं, लहंगे से ज्वेलरी पे आ गए हैं, पता नहीं किसकी ज्वेलरी देख रहे हैं। लहंगे पे ज्वेलरी पहनने लग रही है गाइस, मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। इधर देखे लहंगा नहीं मिल रहा, मैं क्यों आया हूँ के पास। हमें कुछ नहीं मिला लाजपत नगर में, अब हम जा रहे हैं रजौरी। कुछ नहीं मिल रहा उनको, कुछ मिलेगा भी नहीं। लाजपत नंगी मार्केट है, दोपहरी में लाइट आ गई गाइस, ये वाली लाइट गाइस बहुत गंदी मार्केट है लाजपत। अगर आपको अपनी शादी के लिए ब्राइडल लहंगा ढूंढ रहे हो तो मत आना लाजपत। और मैं बस क्या बताऊं, मैं इतनी दुखी हूं अपनी जिंदगी से कि मुझे एक ब्राइडल लहंगा नहीं। रिपीट करो यार, मैं यहाँ शॉपिंग शुरू हो गई है पर एक लहंगा नहीं मिल के दे रहा जाम मुझे। लगवा दिया आपने यार, होती आपको देखने के लिए जाम लग गया, जाम बंद कर दो अपनी गाड़ी। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मिली है, देखो गुरु जी बंगाली, ये अपना टोना टोटका जिसको हटवाना हो, प्रेम विवाह करवाना हो, मैंने भी यहीं से करवाया है। मैंने भी प्रेम विवाह यहीं से करवाया है, तो आप लोग भी यहाँ करवा सकते हैं अपना प्रेम विवाह जिसको करना है। देख रहे हो गाइस
तीन घंटे में चैलेंज कर रहा है बंदा, आपका समाधान निकल जाएगा, करा लो। मेरा तो एक मिनट लगा था। तो अंधेरा हो चुका है और हमें कुछ भी पसंद नहीं आया है, कोई लहंगा पसंद नहीं आया, कोई शेरवानी पसंद नहीं आई। लाजपत, पीतमपुरा, रोहिणी, बस एक चांदनी चौक रह गया है। अगर आप लोगों को नहीं तो धोती कुर्ते में होगी शादी। अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ पर अच्छा वो मिल जाता है ब्राइडल लहंगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हमारी मदद करें, हम बहुत मजबूर है, हमें प्लीज प्लीज हेल्प कर दो। मुझे लगता था शादी की शॉपिंग करना बहुत आसान बात होती है, पर नहीं होती। दीदी की हालत देखो। गाइस प्लीज हेल्प अस, मैं आपको पेटीएम नंबर नीचे मेंशन कर देता हूँ, प्लीज हेल्प अस। ये वाली हेल्प नहीं चाहिए। ओके गाइस, बाय, लव यू। ये छोटा सा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें देखा। अभी हमने स्टार्टर दिया था छोटे से ब्लॉग का, अभी हम बड़े बड़े ब्लॉग बनाएंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अगली बार हम देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम क्या ले रहे हैं, बट वो तो सरप्राइज ही रहेगा क्या लेंगे। बाय गाइस। सो गाइस, ये था एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था आज सच के हम ब्लॉग बनाने वाले हैं, बस क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया ही किया है शॉपिंग करना फॉर आवर वेडिंग। तो अब आपको आगे आगे वेडिंग के ही व्लॉग मिलने वाले हैं, और अभी हम इसके बाद जाएंगे चांदनी चौक नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तो वहाँ का तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। मुझे शायद मैंने पहले ही भूल दिया कि वहाँ को तो बनाना है। ऑल्सो अगर आपको कुछ भी नॉलेज है ब्राइडल लहंगे की, सबसे पहला काम वही है, क्योंकि मेरा ब्राइडल लहंगा पसंद करना और तुषार की शेरवानी, बाकी तो शॉपिंग होती रहेगी, तो वो पसंद आना बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा है कि वहाँ तो पसंद आ ही जाएगा, और कहीं आया नहीं आया, बट वहाँ तो आ ही जाएगा। प्लस बाकी सारे, ये मेरे घर का हाल देखो, मेरी मम्मी दिवाली की सफाई कर रही है, सब धो डाला। तो सेकंड चीज़, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि आपकी शादी की डेट क्या है, तो गाइज वो हम अलग से व्लॉग बनाएंगे, वो हम ऐसे नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट भी तो रहनी चाहिए ना आपको, हम वो भी बता देंगे, सब बता देंगे, तो आप फिर क्या मज़ा नहीं आएगा यार। तो उसका वेट करो, आप शादी की डेट आपको पता चलेगी, तब तक आप हेल्प करो शॉपिंग कराने में। मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट फाइनल कर ली है, लहंगा ऑलमोस्ट हो जाएगा मोस्ट प्रॉबली 4-5 दिन में। मैं आपको शॉप बता दूंगी जब, जिससे अगर मुझे पसंद आया मैं आपको शॉप जरूर बताऊंगी, बट ऑब्वियसली आउटफिट रिवील नहीं करूंगी, वो तो राज रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने हमारे लव स्टोरी वाले व्लॉग में हमें बहुत सारा प्यार दिया है गाइस, मतलब इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुषार ने भी, मैंने भी। अगर आपको इतनी एक्साइटमेंट था तो थोड़ा पहले बता देते, हम और जल्दी बना लेते, बट एनी वेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो रियली रियली थैंक यू सो मच इतना सारा अप्रिशिएशन देने के लिए। आप लोग पता है जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो ना, इवन मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, मैं सच बताऊँ आज, कि आप लोग जब हमसे खुद को रिलेट करते हो ना, कि मतलब मेरी और तुषार की लव स्टोरी, जब आप खुद की लव स्टोरी या कुछ भी वट एवर एक्सपीरियंस आप रिलेट करते हो ना, दैट्स दी बेस्ट पार्ट, जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है चांदनी चौक का, और उसके बाद जो व्लॉग आएगा मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन एंड आंसर का Q&A डालूंगी, और उसमें मैं मतलब आप लोग जो भी पूछोगे उसको हम व्लॉग में आकर एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग ये होने वाला है, टिल देन बने रहो, बहुत सारा प्यार करते रहो, दिवाली की सफाई करते रहो। एनी वेज हैप्पी दिवाली, आज हैप्पी छोटी दिवाली, आज छोटी दिवाली है, हैप्पी सेफ दिवाली, सी नोटो क्रैकर्स, बाय।